नूरपुर में दिव्यांग व अनाथ आश्रम रहन छत्र में दिव्यांगता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिव्यांग दिवस पर बचपन पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे विशेष रूप से शामिल हुए। स्कूल द्वारा दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता दिवस पर फल, चॉकलेट इत्यादि वितरित भी किए गए। एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम की फाउंडर अलका शर्मा ने आश्रम में उपस्थित बच्चों को खिलौने व चॉकलेट भी बांटे। एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम रेहन छात्र व रेहन छत्र में दिव्यांगता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिव्यांग दिवस पर बचपन पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे विशेष रूप से शामिल हुए। स्कूल द्वारा दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता दिवस पर फल, चॉकलेट इत्यादि वितरित किए गए। वहीं एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम की फाउंडर अलका शर्मा ने आश्रम में उपस्थित बच्चों को खिलौने और चॉकलेट बांटे। दिव्यांग व अनाथ आश्रम की नीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य पर दिव्यांग व अनाथ आश्रम में भी दिव्यांग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बच्चों व उनके अभिभावकों को जानकारी दी कि बच्चों की कैसे देखभाल करनी है। बच्चों को आश्रम की तरफ से उपहार भी बांटे गए। इस उपलक्ष्य पर बच्चों से अलग अलग गतिविधियां करवाई गई। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, आज हमने अपने एनजीओ एंजल दिव्यांग अनाथ बच्चों के आश्रम में इसे हमने सेलिब्रेट किया है, जहाँ पे हमने बच्चों को पेरेंट्स को अवेयर किया है इन बच्चों के प्रति कैसी केयर करनी है, इनको कैसे ट्रीट करना है, और साथ ही आश्रम की तरफ से इन बच्चों को गिफ्ट बांटे गए हैं, चॉकलेट्स बांटे गए हैं, और जहाँ पे डांस वगैरह एक्टिविटीज जहाँ पे हम करवाते हैं और आज भी हम स्पेशली करवाए गए हैं। और हमारे जहाँ पे एनजीओ में स्पेशल जो गेस्ट थे आज, वो छोटे छोटे बच्चे थे जो बचपन प्ले स्कूल के बच्चे थे 55 जो आज जहाँ पे आए थे, उन बच्चों को भी बताया गया है कि ये बच्चे कैसे होते हैं, उनको स्पेशल केयर करने पड़ती है। तो मेरी यही सभी से प्रेर सभी से गुजारिश है कि इन बच्चों को स्पेशली ट्रीट किया जाए, बड़ी केयर की जरूरत होती है इन बच्चों को, और बड़ा ही ध्यान से इन बच्चों का देख रेख करें सारे। बचपन स्कूल से आए हुए बच्चों को दिव्यांग बच्चों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बचपन स्कूल के एमडी गौरव काली ने बताया कि बचपन स्कूल के बच्चों को विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग व अनाथ आश्रम रेहन छत्र में लेकर आए हैं। यहां पर देखा गया कि बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। इस आश्रम में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें घर पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पर बच्चों व बच्चों के साथ आए अभिभावकों का खाना फ्री मुहैया करवाया जाता है। मेरा नाम गौरव काली है और मैं बचपन प्ले स्कूल फतेहपुर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज हम यहाँ पर एंजल दिव्यांग आश्रम में बच्चों को यहाँ पे नेशनल हैंडीकैप डे के ऊपर आज लेके आए हैं, और यहाँ पे पहुँच के हमने ये देखा कि बच्चों का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जो है हैंडीकैप बच्चे हैं जो घर में जो है ऐसे मतलब उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, सारा दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है उनको डील किया जा रहा है, खाना वगैरह सब उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एनजीओ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए वह मिसेज अलका शर्मा जो एनजीओ के हेड है, उनका जो है वो बहुत बड़ा ये जो है वो एक थैंकफुल है इस एरिया के लिए कि वो उन्होंने ये काम जो स्टार्टअप किया है, और ऐसे जो है वो इसको कीप इट अप करें तो हमारा एरिया जो है वो इस फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलाइज करें। थैंक यू। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।